हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवांशु सक्सेना और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉड्स रेसिप्रोकल ग्राफ एंड स्केच आर्ट ग्राफ। ठीक है, मैंने जैसी पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉड्स का रेसिप्रोकल प्लॉट बताऊंगा और स्केच आर्ट का प्लॉट बताऊंगा, तो इस वीडियो में वही है मैं जो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं इस प्लॉट को जानने से पहले, तो वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज बेस्ड ऑन द डाटा अवेलेबल ऑन लो कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रीड्रन। लो कंसेंट्रेशन ऑफ फ्रीड्रन, ठीक, लो कंसेंट ऑफ फ्रीड्रन का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? देखो, टोटल ड्रग कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, फ्री प्लस पीडी। ये क्वेश्चन सुन में आई? नहीं आई। देखो, ये जो टोटल ड्रग कंसेंट्रेशन मतलब जो हमारा ड्रग का कंसेंट्रेशन है, मतलब ये कि ये हमारा अगर प्रोटीन है कोई और ये हमारी ड्रग है, तो ये जो ड्रग है ये इसका क्या अमाउंट, इसका अमाउंट जो भी अमाउंट यहां पे जाके अटैच होगा उसको क्या बोलेंगे, कंसेंट्रेशन। तो अगर लो कंसेंट्रेशन है तो इसका मतलब क्या है, इसका जो अमाउंट है जिस मात्रा में हम इसको यूज कर रहे हैं अगर वो लो कंसेंट्रेटेड है, तो तब उसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कहां पे होगा, क्लॉड्स का रेसिप्रोकल ग्राफ प्लॉट पे। ठीक है, यानी कि क्लॉड्स का जो रेसिप्रोकल प्लॉट है उस पे हम इसको डिराइव करेंगे या फिर कि उसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्लॉड्स की जो रेसिप्रोकल जो इक्वेशन थी वो क्या थी, ये थी, 1/r इक्वल्स टू 1/μk 1/df+1। इसको हम डिराइव कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा कैसे किया था। तो ये इक्वेशन थी, तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम एक्स एक्सिस पे 1/df लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, 1/r। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो एक लीनियर लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी लीनियर, उस पे क्या होगा, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस कॉम्प्लेक्स पे मतलब जो प्रोटीन है वहां पे कितने ज्यादा बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, जो प्रोटीन है वो कितने ज्यादा वहां पे बाइंडिंग साइट थी, और अगर कॉम्प्लेक्स वहां पे बन गया है तो किस किस साइट्स पे वहां पे वो प्रोटीन बाइंडिंग हुई है, दैट इज न्यू। हमारा जो न्यू है वो क्या था, नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स। तो अगर हमें न्यू पता लग जाएगा तो हम एसोसिएशन कांस्टेंट भी पता लगा लेंगे। ठीक है, एसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के, है ना। तो स्लोप जहां मतलब अगर मैं इसका मैं ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, 1/df दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, 1/r कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग विच इज बाउंड टू प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोटीन। ठीक, ये हो गया, उसका रेसिप्रोकल हमने लिया। अब क्या होगा, इसमें हम यहां से लीनियर लाइन जाएगी, क्या जाएगी, लीनियर लाइन जाएगी जिसका स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा 1/μk 1/μk। ठीक, तो इसमें हम पता क्या लगा सकते हैं, इसमें हम म्यू पता लगा सकते हैं, म्यू पता लगा, म्यू हमारा क्या है, ये म्यू, म्यू जो है ये इंटरसेप्ट है, क्या है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो चीज होती है जिसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो म्यू हमने यहां से पता लगा लिया, कैसे पता लगाएंगे, इस ग्राफ से उसके एनालिसिस पढ़ के करके। ठीक है, और एनालिसिस करने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि एनालिसिस जब करेंगे तो उसका हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन का नेचर और अमाउंट कितना है, वो हमें जब पता होगा तो हम इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, किसकी, प्रोटीन का नेचर और अमाउंट जितना भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो था हमारा क्लॉड्स का रेसिप्रोकल प्लॉट। ठीक, इसमें हम नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट्स डिटरमाइन करते हैं। अब देखेंगे स्केच आर्ट का प्लॉट। तो अब अगर बात करें स्केच आर्ट प्लॉट की, तो स्केच आर्ट प्लॉट क्या है, स्केच आर्ट प्लॉट बेसिकली दो टाइप्स के बनते हैं, एक तो लीनियर और एक कर्व प्लॉट। ठीक है, लीनियर आपको स्ट्रेट लाइन से पता लग रहा है, मैंने लिखा है कि अगर स्ट्रेट लाइन वहां पे हमें स्केच आर्ट प्लॉट मिल रही है तो इट मींस वहां पे क्या, सिर्फ ओनली वन बाइंडिंग साइट वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि मतलब अगर ये हमारा प्रोटीन है तो इसकी एक ही साइट यहाँ पे अगर अवेलेबल है तो वहां पे जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, लीनियर बनेगा। ठीक है, और अगर वहां पे कर्व प्रेजेंट है, जैसे इस कुछ इस टाइप का कर्व प्रेजेंट है, तो इट मींस क्या है वहां पे कि वहां पे एक से ज्यादा प्रोटीन बाइंडिंग के साइट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इससे हम पता क्या लगाएंगे कि स्लोप
का एसोसिएशन कॉन्स्टेंट पता लगाएंगे कि किस रेट से वो एसोसिएट हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो ये प्लॉट जो हमारा जो ग्राफ होगा वो किस किसके किसके बीच में होगा, आर डी एफ वर्सेस आर के बीच में, इधर ये वाला कुछ ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। और स्केच आर्ट की इक्वेशन क्या है, स्केच आर्ट की इक्वेशन हमने जो डिराइव करी थी वो क्या थी, आर बाय डी एफ यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग इक्वल्स टू न्यू के माइनस आर के, ठीक है। तो ये था हमारा स्केच आर्ट प्लॉट, ठीक, और इसमें कुछ बताने वाली चीज नहीं रह गई है, ठीक है। बेसिकली यही था इसमें, हमें एक चीज और थी ध्यान में देने वाली कि क्लॉट्स का जो एक ड्रॉबैक था जिसको हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं, उन्होंने कहा था कि हम तभी अपना ग्राफ प्लॉट कर सकेंगे जब किसी भी फ्री ड्रग का कंसेंट्रेशन लो में है, जब किसी ड्रग का लो कंसेंट्रेशन होगा, तो ये चीज उन्होंने किसने बताई थी, क्लॉट्स ने बताई थी, ठीक। तो ये उनका क्या था, डिसएडवांटेज था, वो हाई कंसेंट्रेशन पे वो अपना ग्राफ प्लॉट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हाई कंसेंट्रेशन पे इन्होंने उस चीज को सही करते हुए क्या किया, स्केचार्ट प्लॉट ने, स्केचार्ट ने क्या किया, उन्होंने अपना एक प्लॉट निकाला, उसमें क्या किया, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग की उन्होंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है। तो उनका जो ये ड्रॉबैक था उन्होंने किसने सही किया, स्केचार्ट ने, ठीक है। एक तो चीज ये होगी, बाकी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, होप यू अंडरस्टैंड वेल, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।